हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हम लोगों का केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें डी सेक्शन की रिएक्शन चल रही थी, कुछ रिएक्शंस बची हुई थी जिसको मैं सी सेक्शन मतलब अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस में नहीं ले पाया था। उसमें उस कैटेगरी की रिएक्शन थी भी नहीं, तो उन रिएक्शंस को जिसमें कैनिजारो से मिलती जुलती रिएक्शन आ रही हैं, जैसे डी सेक्शन में डी वन मैं रिएक्शन आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। D2 रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन टाइप की रिएक्शंस थी, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे D3 टिशनको रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टिशनको रिएक्शन। टिशनको थोड़ा नाम अलग सा है, ये किसकी रिएक्शन है समझना पहले। ये रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल आएंगे एल्डिहाइड्स के, रिएक्टेंट रिएजेंट होगा इसमें एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, ज्यादातर केस में एल्युमिनियम इथोक्साइड मिलेगा आपको। प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा एस्टर, दो एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनेगा एस्टर। शॉर्ट में लिख दूं है ना, रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, शॉर्ट में ये समझने का तरीका है, ऐसे लिख आपको ऐसे लर्न करना चाहिए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होगा, इसकी कपलिंग होगी है ना। रिएजेंट कौन है, रिएजेंट किस रिएजेंट से पहचान में आएगा, तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एल्युमिनियम इथोक्साइड का यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम इथोक्साइड या एल्कोक्साइड है ना, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एस्टर। ठीक है, रिएक्शन देखिए, ये रहा RCHO, इसके टू मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, एक और चीज बतानी थी, मैकेनिज्म कैसा है इसका, मैकेनिज्म तो समझेंगे बाद में, शॉर्ट ट्रिक क्या है, हिंट इसका ये है कि कैनिजारो कराओ पहले, तो हिंट पहले कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है। आप ये मान लो एल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो जाए तो एस्टर बनता है ना, एस्ट्रिफिकेशन, तो कैनिजारो प्लस एस्ट्रिफिकेशन, ये रिएक्शन आपको करनी है। इस रिएक्शन को स्यूडो कैनिजारो रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का प्रोडक्ट्स बन के रिएक्शन होती है ना, तो स्यूडो कैनिजारो रिएक्शन आप इसे लिख लीजिए, ये हिंट है प्रोडक्ट बनाने के लिए। रिएक्शन देखो, इस हिंट का यूज़ करके वह प्रोडक्ट बनाएंगे, मैकेनिज्म तो बाद में देखेंगे। ये देखो, एल्डिहाइड्स के टू मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होगी, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, ये कैटलिस्ट आप लोगों को मिलेगा, ये कैटलिस्ट का काम करता है, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि एस्टर पहले कैनिजारो कराना है, कैनिजारो से क्या बनता है, एक तो बनता है एल्कोहल और एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा एल्कोहल, इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, लेकिन समझ लो यार हिंट बोल रहा हूं। फिर इन दोनों में हो जाती है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन से एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ये एस्टर बन गया। मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, मैकेनिज्म का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, लिखो इसको, मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था कि R ग्रुप चेंज करूंगा, अब और कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कीटोन की नहीं है, R ग्रुप कभी मिथाइल कभी इथाइल कभी फिनाइल, प्रोडक्ट बनते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। लिखो जल्दी से, एक दो एग्जांपल लूंगा, पहले मैकेनिज्म लिख दूं, किसकी तसल्ली के लिए, मेरे मन की तसल्ली के लिए, तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये तो ठीक है, ज्ञान सबके लिए है, और मैकेनिज्म लिखने से मुझे भी लर्न हो जाती है, याद रहती है, वरना मैं अगर पढ़ाना छोड़ दूं मैकेनिज्म तो मेरे दिमाग से भी निकल जाएगी। तो मैकेनिज्म ये लीजिए, इसका मैकेनिज्म काफी कुछ MPV से मिलती जुलती है, मेरवाइन पांडा वर्ली रिडक्शन से मिलती जुलती है, उसका भी मैकेनिज्म मत लर्न करो तो चल जाएगा,
ये तो देख लो एक बार फिर भी। सर स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर यार आप मतलब एक बात करो, मैकेनिज्म पढ़ें या कि ना पढ़ें? तो मत पढ़ो मैकेनिज्म, मत पढ़ो, मैं मेरे लिए पढ़ा रहा हूँ ये तो। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स का अटैक किया, क्या बना? कार्बन सी एच ओ ए एल ओ ई टी थ्राइज, इसने अटैक किया, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, फिर बॉन्ड टूट गया, एक साथ बना दिया मैंने, यहाँ बन गया माइनस, यहाँ बन गया प्लस, ठीक है। इस प्लस पे एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये रहा एल्डिहाइड का वो दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया, वो माइनस बना, इसका बॉन्ड बना, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। डायरेक्ट बना दूँ? लो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, लेकिन सुन लो, ध्यान से देख लो, यहाँ ऑक्सीजन है ए एल ओ ई टी होल थ्राइज, ये माइनस, इस जगह बॉन्ड बना ऑक्सीजन का, यहाँ डबल बॉन्ड है सी एच है और यहाँ आर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। ये वाला क्या होगा अब सुन लो, ये पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह आना चाहिए, क्या बनेगा यार, एक मिनट सुनने दो, मुझे सोचने दो। हाँ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई ये वाली, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ आर सी एच ओ, ये एक साथ ही लिख देना चाहिए था मुझे, फिर भी मैंने अलग अलग लिख दिया यार, और यहाँ है ओ, फिर ए एल एंड यहाँ से शिफ्ट होके आता है, ये डबल बॉन्ड बनता है, इसको अलग तरीके से लिखूंगा यार मैं, ओ ए एल ओ ई टी थ्री, यहाँ माइनस, देखो वही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ प्लस आया, बस वही बनाया मैंने, कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, और भी सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगा, यही है ना सी एच, ये रहा सी एच, ये रहा ऑक्सीजन एल्युमिनियम एथॉक्साइड, ये रहा इथॉक्साइड, ठीक है। ये रहा इस जगह एच, यहाँ से आता है ये वाला एच, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो देखो सुनो, ये एच माइनस आया, इस जगह पॉजिटिव चार्ज है, एच माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड एच माइनस के फॉर्म में शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है इसमें, और यहाँ ये डबल बॉन्ड बना, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, इस जगह से एच माइनस यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ये तो सी एच टू बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये वापस न्यूट्रल के फॉर्म में निकल गया, तो माइनस ए एल ओ एच, ये इथाइल, इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर, ट्रांसफर हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, और क्या बना देखिए, ये रहा आर, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, और इस जगह ओ सी एच टू एंड आर, ये वाला रिएक्शन याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो चल जाएगी, कोई खास बात नहीं है, मैकेनिज्म बतानी थी जो बता दी तुम्हें, तो बस आर ग्रुप चेंज करके दूंगा, लिख लीजिए इसे फटाफट, लिखो, मिटा रहा हूँ अब मैं, अब रुकने वाला नहीं हूँ मैं, ये टिशन को रिएक्शन हो गई, टिशन को रिएक्शन में कुछ नहीं लर्न करना, बस प्रोडक्ट्स बनाने, रिएक्शन नंबर एग्जाम्पल नंबर वन या टू, वन दे देता हूँ, लो बताओ इसकी टिशन को रिएक्शन करा दो जल्दी से, कैसे पहचान में आएगा, केवल इस एल्कोक्साइड से ही पहचान में आएगा, इसके प्रेजेंस में, ठीक है, प्रोडक्ट बनाओ, ये लो एक और एग्जाम्पल करो जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी, अब मिलेगी तुम्हें खुशी क्योंकि तुमसे प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये लो, हालांकि एल्युमिनियम की प्रेजेंस में सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रेजेंस में कई और कैटलिस्ट भी हैं जिनका यूज़ किया जाता है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इनका यूज़ करो, प्रोडक्ट इनसे भी बनता है, बना दो
बना दो जल्दी से बनाओ, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ऐसे ही तो बनाना है, पहचान में आना जरूरी है। अभी तो पहचान में आ गया क्योंकि मैंने अभी भी पढ़ा है, जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में इसी से पहचान में आएगा कि एल्डिहाइड होगा, ये होगा, एस्टर बनाना है। टिशन को रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एस्टर, बनाता हूँ मैं। यहाँ बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, यहाँ बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ बनेगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू पी एच, जल्दी बनाना है मुझे तो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और यहाँ इंट्रामॉलिक्युलर रिएक्शन होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला इंट्रामॉलिक्युलर एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि कुछ इस तरह का होगा। एक्सक्यूज मी, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये है टिशन को रिएक्शन, लिखो इसे, इसके बाद में लेंगे हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन, कंप्लीट करो, मिटा रहा हूं इसे मैं। ये लो, नेक्स्ट है डी पॉइंट फोर बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। रिएक्टेंट कौन है इसमें? इसमें रिएक्टेंट लिया जाता है जिस पर ये रिएक्शन होती है, जनरली होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कीटोन की नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? होता है रिएक्टेंट, इसमें कैटलिस्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है, रिएजेंट कौन सा, आप ये समझ लीजिए क्या डाला जाता है। तो इसमें डाला जाता है एल्कोहलिक केसीएन, एक्वस केसीएन मत डाल देना, एल्कोहलिक केसीएन। एक्वस केसीएन तो साइनोहाइड्रिन में आता है एल्डिहाइड के साथ में, एल्डिहाइड कीटोन के साथ में, यहां एल्कोहलिक केसीएन लिया जाता है। ध्यान देना यहां सीएन स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, यहां यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक कैटलिस्ट, इसके अलावा और कोई कैटलिस्ट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बनता है इसमें अल्फा एंड टू मॉलिक्यूल्स होंगे इसके भी, है ना, टू मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन है, कपलिंग रिएक्शन होती है, दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये डाल दिया, प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। रिएक्शन देखना, मैकेनिज्म भी बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये रही ये रहा एल्डिहाइड, रिएक्शन किया आपने एल्कोहलिक केसीएन से, प्रोडक्ट बना, इस एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये इस कीटोन की अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोडक्ट का नेम, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेम है बेंजोइन, बेंजोइन इसका नेम है, पीएच पीएच वाले का। और अब मैं चेंज कर दूंगा तो उसे बेंजोइन नहीं कहते, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे, बट इसी के नेम से पड़ा है नेम, बेंजोइन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म में यहां लिख सकता हूं, स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिज्म है, बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है, पहचानने की रिएक्शन भी है इसमें। देखो फर्स्ट स्टेप पे सीएन ने रिएक्शन किया, कहां रिएक्शन करेगा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इस कार्बन पे रिएक्शन करेगा, ये अटैक किया, ये ओ माइनस बना, तो क्या बना, पी एच ओ माइनस सी एन और यहां एच, ठीक है। अब इसमें एक बिल्कुल मतलब अलग ही टाइप का एक हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यहां से एच प्लस के फॉर्म में यहां शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड तो नहीं बोलूंगा, प्रोटोन ट्रांसफर, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर हो गया, प्रोटोन ट्रांसफर लिखो आप, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, कार्बन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये अलग ही टाइप का मैकेनिज्म है। अरे ऑक्सीजन का एच ज्यादा एसिडिक होता है, ऑक्सीजन का एच कार्बन के सी माइनस पे पहुंचना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है, यहां से एच प्लस ऑक्सीजन माइनस पे जा रहा है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है तो कोई ना कोई कारण होता होगा, है ना, ये होना चाहिए ना, ऑक्सीजन का एच ज्यादा एसिडिक है कार्बन के एच से, तो ऑक्सीजन का एच अपना एच डोनेट करना चाहिए, ये होना चाहिए,
लेकिन उल्टा हो रहा है ना बिल्कुल। ये रिएक्शन इसके अलावा और कहीं नहीं होता है, इसलिए ये की स्टेप है इसका पहचानने के लिए, इसका ये की स्टेप कहा जाता है कि ऐसा और कहीं नहीं होता है ना। और ऐसा क्यों हुआ होगा, शायद शायद क्या ऐसा होता ही है, वैसे तो मैं बता देता हूं रीजन। यहां ये नेगेटिव चार्ज साइनाइड के साथ पीएच के साथ अच्छा खासा रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है, इस कारण से यहां कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ऐसा ही रही यही रहा होगा, इसका मतलब तो यही है कि ये वाला एच इस ऑक्सीजन के एच से ज्यादा एसिडिक रहा होगा। ऑक्सीजन का एच ज्यादा एसिडिक होता है, बट इस जगह कार्बन का एच ऐसा एसिडिक रहा होगा, एक्टिव मिथाइलिन टाइप का रहा होगा कि वो एच शिफ्ट हुआ है, ये बना कार्बन माइनस। अब कार्बन माइनस ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर, ये रहा दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहाँ जाके जुड़ रहा है, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है वही स्टेप आरडीएस होता है, तो इसमें आरडीएस स्टेप ही है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, तो क्या बना पीएच और साइनाइड, इधर बनाना है ना मेरे को, वापस डबल बॉन्ड बनेगा। चलो कोई बात नहीं, इधर ही बना देता हूँ सी एन, यहाँ ओ माइनस, और फिर इस कार्बन का बॉन्ड, इस कार्बन से जहाँ एक H है पहले से, ये रहा H और यहाँ है OH और ये रहा PH, ठीक है। अब क्या होना चाहिए इसने, नहीं मैं गलत बोल गया यार, यहाँ O माइनस थोड़ी ना, यहाँ तो OH है, यहाँ OH है और यहाँ O माइनस है। इस कार्बन ने अटैक किया, ये O माइनस बना, इधर बना दिया मैंने। साइनाइड के पास वाला OH ज़्यादा एसिडिक होता है कि साइनाइड के एब्सेंस में OH ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ऑब्वियसली साइनाइड के पास वाला H ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये H ज़्यादा एसिडिक है। हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस के फॉर्म में यहाँ जाएगा, याद करो एसिड बेस रिएक्शन में मोर एसिडिक से लेसर एसिडिक फॉर्म बनता है, तो यहाँ मोर एसिडिक, यहाँ भी लगभग वही था, मैंने कहा ये कार्बन का H ज़्यादा एसिडिक रहा होगा इस ऑक्सीजन के H से, तभी ये ट्रिप शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ भी ये H ज़्यादा एसिडिक है यहाँ के H से, अगर यहाँ H होता तो ये H शिफ्ट होगा यहाँ से कहाँ, इस जगह। अगेन इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफ़र हुआ और H यहाँ पहुँच गया, H यहाँ पहुँचा तो यह बना O माइनस, यहाँ है सी एन, यहाँ है ओ एच, एच एंड पी एच, और इसके बाद में ये O माइनस अगेन डबल बॉन्ड बना लेता है और सी एन को फ्री कर देता है। सी एन बाहर निकला लीविंग ग्रुप के फॉर्म में, डबल बॉन्ड बना, ये वाला कंपाउंड बन गया सी एन माइनस बना। यहां मैंने कहा कि साइनाइड ही अकेला ऐसा कैटलिस्ट है जो ये काम कर सकता है, साइनाइड ही अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है जो ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन कर सकता है, हालांकि ये और काम भी कर सकते हैं लेकिन साइनाइड को एंड में निकलना भी है, तो एक ऐसी बाउंड्री लाइन पे बैठा हुआ है साइनाइड कि ये काम कर लेता है इस एच, मतलब जो सी माइनस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को भी इसको बरकरार रख लेगा, उसको स्टेबलाइज भी कर लेगा और सी एन निकल भी जाएगा। अब तुम सोचो सर नाइट्रो होता तो नाइट्रो तो और भी ज़्यादा स्टेबल करता, पर नाइट्रो निकलता थोड़ी ना इतना आसानी से, तो साइनाइड बिल्कुल बैलेंस पोजिशन पर बैठा है जो ये काम कर सकता है। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको मैकेनिज्म याद ना हो तो भी चल जाएगा। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आप चेंज क्या करोगे, इधर का ये एरोमेटिक पार्टी तो चेंज करोगे और क्या चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन लिखो, प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन लिखते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसे, एग्जांपल लेते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन में, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर वन, ये इसे कहा था मैंने, क्या कहा था, कुछ नहीं कहा था, ये तो प्रोडक्ट है, लिखो इसको फरफ्यूरल बोला था शायद इसे, इसकी रिएक्शन करा दो, इसमें डाल दो, क्या डालना था इसमें, क्या डालना था इसमें, डाल देता हूँ मैं एक्वस केसीएन, जरा देखते हैं क्या प्रोडक्ट बना हो गया, एक्वस केसीएन डाल दिया है ना, प्रोडक्ट बना दो, एल्कोहलिक केसीएन डाला तो क्या प्रोडक्ट बना, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाल दिया क्या प्रोडक्ट बना, बनाओ और लेता हूँ एग्जांपल्स, इसमें अब चेंज क्या करूँगा यार, एरोमेटिक पार्टी तो चेंज करूँगा और क्या करूँगा, ये लो CHO है, यहाँ पर OCH3 है, KCN डाल दिया,
अल्कोहल के साथ प्रोडक्ट बना दो, बस बस बन गए। एग्जांपल बहुत है इसके, ये दो एग्जांपल बहुत है। बेंजोइन कंडेंसेशन करो, उसके बाद में लेते हैं विटिंग रिएक्शन, कर लीजिए। क्या बनेगा एक्वस के केस में? तो केवल साइनोहाइड्रिन बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, OH यहां आएगा, CN यहां आएगा, ये क्या बना? साइनोहाइड्रिन बना, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन एल्कोहलिक केस में होगा, ये होगा बेंजोइन कंडेंसेशन, और बेंजोइन कंडेंसेशन में ये बना एक एरोमेटिक रिंग है, पास में मुझे OH लगाना है, कीटोन लगाना है और एरोमेटिक रिंग वापस रख देनी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लगाना। ये कौन सी रिएक्शन होगी? अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है इसके पास में बेसिक मीडियम में, ये तो कौन सी होगी? कैनिजारो रिएक्शन है ये तो, ये होगी कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और दूसरा बनता है करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। इस एरोमेटिक रिंग में दो मॉलिक्यूल आएंगे, एल्कोहलिक की वजह से बेंजोइन कंडेंसेशन होगा और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ CHOH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और फिर एरोमेटिक रिंग और यहाँ OCH3। ये हो गई हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके बाद में लेता हूँ D5 में विटिंग रिएक्शन, लिखो जल्दी से, इसे मिटाऊंगा। नेक्स्ट है विटिंग रिएक्शन।